हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पारिजात प्लांट के बारे में। पारिजात ये वही प्लांट है जो कि कल अयोध्या में पीएम मोदी जी ने मंदिर की नींव रखी गई है हमारे, तो वहाँ पर पीएम मोदी जी ने इस प्लांट को लगाया है। तो वहाँ पर भी ये प्लांट लगाया गया है और बहुत ही शुभ प्लांट है जो कि हमें अपने घर में भी ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस प्लांट के कितने फ़ायदे हैं, कैसे आपको लगाना है, कटिंग से कैसे लगा सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पारिजात एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे घर में बहुत शुभ प्लांट माना गया है। पारिजात भी बोलते हैं, नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, हर श्रृंगार भी बोलते हैं। हर श्रृंगार इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये श्री हरि जी के, मतलब इसके फूल श्री हरि जी के श्रृंगार में इस्तेमाल होते हैं। ये प्लांट जो हमारा है, ये देवी देवताओं के लिए बहुत प्रिय प्लांट माना गया है। और इसे नाइट जैस्मिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस ऐसे हैं जो कि रात में खिलते हैं और रात में खिलने के बाद, मतलब सुबह सूरज उगने से पहले ज़मीन पर गिर जाते हैं, और ज़मीन पर गिरने के बाद भी हम इन्हें अपनी पूजा में चढ़ा सकते हैं। इतना शुभ पौधा ये हमारे लिए होता है। तो ये पूरा का पूरा प्लांट जो है, पूरा मेडिसिनल हब प्लांट भी है क्योंकि इसकी हर एक पत्ती, हर एक ब्रांच में इसकी दवाइयों की तरह इस्तेमाल होती है। अगर हमारे बाल गिरते हैं तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर हम अगर उसमें से जो पानी निकलता है उसे बालों में लगाते हैं तो उससे बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। तो ये बालों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। आप इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए। और इस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत प्यारे छोटे छोटे, और खुशबू इतनी अच्छी है इस प्लांट की नहीं सॉरी इसके फूलों की इतनी अच्छी खुशबू है, मतलब जिसके घर, जिस जगह पर और जिसके घर में ये प्लांट है उसे पता है कि इसके फूलों की खुशबू कितनी अच्छी है। जिस जगह पर ये प्लांट लगा होता है अपने आसपास की जगह को बिल्कुल महका के रखता है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। तो इस प्लांट पर मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है पूरी डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन पर। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और उस वीडियो पर बहुत सारे आपके कमेंट भी आ रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी होती है, कितने बड़े पॉट में लगाना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। तो ये बता दें हम, इसकी हाइट अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत बड़ी ये ट्री शेप ले लेता है, मतलब हाइट की कोई लिमिट नहीं है। ज़मीन में प्लांट होता है तो वो कितना भी अच्छा फैलता चला जाता है, लेकिन अगर हम उसे पॉट में लगाते हैं तो हमने इसे देखिए 15 इंच के पॉट में लगाया हुआ है और काफ़ी बड़ा हमारा पॉट है। तो आप इस तरह इसे पॉट में लगाकर, बड़े से पॉट में लगाकर छत पर अपनी रख सकते हैं बहुत आसानी से। तो छत पर हम इसे रखते हैं क्योंकि ये पूरा दिन की सनलाइट चाहिए होती है इसे, तो पूरा दिन की अच्छी धूप मिलेगी तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा, फ्लावरिंग करेगा। इसे छाया वाली जगह पर आप मत रखिए क्योंकि इस पर फूल आते हैं, तो छाया वाली जगह पर ये आपको सिर्फ ग्रीनरी देगा, फूल नहीं देगा। तो इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग कैसे लगानी है मैं बताऊंगी अभी इस वीडियो में। कटिंग से भी और इसके बीज से भी इस प्लांट को ग्रो करना बहुत आसान है, और अभी जैसे मानसून सीजन चल रहा है तो इसकी कटिंग बहुत आसानी से तैयार हो भी जाएगी। तो इसके प्लांट के ऊपर, मतलब फूल आते हैं, तो फूल आने के बाद इस पर बीज बनता है, इस पर इतना बड़ा बीज होता है इसका, हमने देखा है। तो बीज के अंदर फली होती है, मतलब छोटी सी फली होती है ग्रीन कलर की, उसके अंदर उसके बीज होते हैं। तो इस तरीके से इस पर बीज भी बनता है और कटिंग से भी इसे ग्रो करना बहुत आसान है। तो डायरेक्ट सनलाइट में आप इसे रखिए, पूरा दिन की अच्छी धूप मिलेगी, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पानी का ध्यान रखिए, पानी जितना, क्योंकि इस प्लांट में जितना आप पानी डालते हैं उतना ही अच्छा ये खिला खिला दिखाई देता है। अगर मैं इसमें अगर एक दिन पानी नहीं डालती हूँ, एक या दो दिन, तो इसकी लीव्स जो हैं ये ऐसी सिकुड़ने लग जाती हैं इस तरीके से। तो मैं इसमें रोज़ पानी डालती हूँ बहुत अच्छे से सावर करके। ज़मीन में हम प्लांट को लगा देते हैं तो उसमें पानी का ज़्यादा इशू नहीं रहता है, लेकिन अगर हम गमले में प्लांट को लगा रहे हैं तो इसमें आपको रोज़ पानी डालना है।
और गमले में अगर आप इसे लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी कैसी लेनी है, इसके लिए आपको एक हिस्सा मिट्टी लेनी है और एक हिस्सा आपको गोबर की खाद लेनी है और एक हिस्सा आपको उसमें रेत मिक्स करनी है। रेत से आपकी मिट्टी सख्त नहीं होगी, जमेगी नहीं, बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी, तो उससे आपका प्लांट अच्छे से इसकी जड़ें फैलेंगी और बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी प्लांट की। और ध्यान रखिए कि हर 10 दिन में 15 दिन में एक बार आप गुड़ाई भी करते रहिए ताकि मिट्टी बिल्कुल ना जमे और जड़ें अच्छे से फैलती रहें। और हम तो देखिए ऐसे गुड़ाई करके इनमें बनाना के छिलके डालते रहते हैं, तो आप इसमें बनाना के छिलके भी डाल सकते हैं ऐसे गुड़ाई करके। और इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो हर 15 दिन में आप इसमें लिक्विड भी डाल सकते हैं और ये वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ऐसे भी डाल सकते हैं। तो जो लिक्विड आपको डालना है आप इसमें बनाना पील भी डाल सकते हैं और नीम खली और सरसों खली, इन दोनों का लिक्विड बहुत अच्छा बनता है जो कि फूलों वाले प्लांट के लिए बहुत बढ़िया रहता है। तो आप सरसों खली का लिक्विड बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं और नीम खली का लिक्विड भी आप इसमें डाल सकते हैं। लिक्विड आपको इसमें एक ही डालना है, ये नहीं कि दोनों चीज़ों का मिक्सर आप बना के एक साथ में डाल दें, या तो एक टाइम पर एक ही खाद का यूज़ करिए या तो फिर नीम खली या फिर सरसों खली। तो इस तरीके से आपका प्लांट ये बहुत अच्छा रहता है, हर 15 दिन में लिक्विड इसमें डालते रहिए। छत पर रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। हमारे पास ये 2 साल पुराना प्लांट है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। और सर्दियों में इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो उस टाइम पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखिए जगह जगह से इसकी कटिंग हो रखी है, तो जितनी भी हम इसकी कटिंग करते हैं उतना ज़्यादा ये घना हो जाता है। अभी इसका इसके ऊपर फ्लावर नहीं आए हैं, नेक्स्ट मंथ तक फ्लावर आ जाएंगे, उस टाइम पर हम इसकी फ़ोटो या फिर वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए इसकी कटिंग्स लगा लेते हैं। कटिंग्स कैसे लगानी है बताते हैं आपको। पहले तो हम इसमें से कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। इस प्लांट की कटिंग हम जब भी लें, थोड़ी हार्ड सी कटिंग हमको लेनी होती है। देखिए इस तरीके की थोड़ी हार्ड कटिंग हम लेंगे, तो यहाँ से हम इसकी कटिंग देखिए ऐसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए कटिंग का जो नोड होता है यहाँ पर, यहाँ से हमें कट करना चाहिए क्योंकि इसकी जो रूट्स निकलेंगी वो यहीं से निकलेंगी और न्यू ब्रांच जो निकलेंगी वो यहीं से निकलेंगी। तो हमें इसे नोड वाली जगह से कट करना है जिस जगह से हमने किया है। और कटिंग को कभी भी बिल्कुल सीधा शेप में ना दें, हल्का सा जब भी आप कट करें तो हल्का सा तिरछा कट करें। और ऐसे हम इसे नीचे की साइड से स्क्रैच कर लेंगे ऐसे। तो जिस तरीके से हम आपको कटिंग बताते हैं अगर आप बिल्कुल सेम उसी तरीके से कटिंग लगाएंगे तो आपकी कटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, 100% ग्रो होगी। तो ऐसे हमने इसे देखिए नीचे की साइड से स्क्रैच कर लिया है। अब हम इसमें से अपनी 2 कटिंग बनाएंगे और इसकी सभी लीव्स को हम उतार देंगे ऐसे, क्योंकि लीव्स का अभी हमें कोई काम नहीं है इस प्लांट में, सॉरी कटिंग में। तो ऐसे देखिए हमने इसकी सभी लीव्स को बिल्कुल कट कर दिया है। और कटिंग को जब हम लगाते हैं तो हमें उसे बार बार बिल्कुल हिलाना नहीं है, सिर्फ कटिंग लगाकर आप भूल जाइए कि आपने कटिंग लगाई हुई है, लगाकर एक साइड में रख दीजिए छाया वाली जगह पे। धूप में कटिंग को आपको कभी नहीं रखना है, छाया वाली जगह पर रख दीजिए और उसमें सिर्फ पानी चेक करके पानी डालते रहिए, कटिंग को कभी भी आपको सूखने नहीं देना है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसकी कटिंग ले ली है। और कटिंग के लिए जो हमने इसकी मिट्टी ली है तो ये देखिए सिर्फ हमने इसमें गोबर की खाद, ये गोबर की खाद है और मिट्टी है, सिर्फ 2 चीज़ें हमने इसके लिए ली है। अभी इसमें हमने कोई खाद वगैरह अभी कुछ भी नहीं है। तो हमें करना क्या है, अभी मानसून सीजन है तो इस पर रूटीन हार्मोन या फिर दालचीनी पाउडर हम लगा सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इस पर कुछ भी नहीं लगाऊंगी। इसे सिर्फ 1 से 1.5 इंच हम ऐसे मिट्टी के अंदर कर देंगे और इसे अच्छे से बिल्कुल प्रेस कर देना है ताकि ये कटिंग ना हिले। और ऐसे प्रेस करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आप कटिंग में तब भी डालें, हमेशा स्प्रे करके पानी डालिए। अगर आप पाइप से या फिर किसी बर्तन से पानी डालेंगे
तो हो सकता है वो अपनी जगह से कटिंग हिल जाए। कटिंग जितना हिलेगी उतना टाइम आपका ग्रो करने में लगेगा, ग्रो करने में मतलब वो लेगी उतना ही टाइम। तो किसी भी कटिंग को ग्रो होने में कम से कम अच्छे से बिल्कुल जब हमें लगता है हमारी कटिंग बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गई है तो उसमें कम से कम 1 से 2 मंथ आराम से लग जाते हैं। बहुत आसानी से मतलब बहुत जल्दी से कटिंग ग्रो नहीं होती हैं, उन्हें पूरी तरह प्रिपेयर होने में 2 मंथ लग ही जाते हैं। तो आपको हमेशा कटिंग लगाने में पेशेंस रखना चाहिए कि हमारी कटिंग ज़रूर ग्रो हो जाएगी। तो अभी देखिए हमने इसकी कटिंग्स को लगा दिया है और लीव्स को सभी को उतार दिया है। तो अब देखते हैं हमारी कटिंग कितने दिन टाइम लेती है और कितने दिन में ये ग्रो होगी। हमें इसे छाया में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है और इसमें पानी का ध्यान हमें रखना है, पानी डालते रहना है टाइम टाइम पर। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से कटिंग लगाएंगे आपकी कटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और हमारी ये कटिंग ग्रो हो जाएगी। फिर हम किसी वीडियो में आपको इस कटिंग को ज़रूर दिखा देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।